सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ठंड काफ़ी ज़्यादा था, नहा लिया मैंने। अभी हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। मोहन भैया अपना कार लेके आ रहे हैं, अजिताभ भी रेडी है। यहाँ पर गाइस एक डैम्प है, वहाँ पर हम लोग चलेंगे। काफ़ी पहले प्लानिंग हुआ था, कोविड के वजह से जो कैंसिल करना पड़ा गाड़ी, लेकिन बहुत गंदा भी है। डैम्प में चलो धो लेंगे। गिम्बल्स आप तो नहीं लिए हैं? हम ले लिए हैं। कॉपीराइट लाइएगा ये वीडियो मेरा। और गाइस बहुत दिनों के बाद जो है प्लानिंग करते करते आज प्लानिंग जो है हम लोग का फिट बैठा है। काफ़ी अच्छा मौसम है, मज़ा भी आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है। हम लोगों ने खाना पैक वगैरह कर लिया है, खाना जो वहाँ पर कुछ खाएंगे नहीं बाहर में। अभी जो ओमिक्रॉन का सिचुएशन है आप समझ ही रहे होंगे, तो इसी कारण जो है खाना हम लोगों ने पैक करा लिया है। वहाँ पर बैठेंगे, कोई अच्छा जगह में मस्ती करेंगे, खा लेंगे, घूमेंगे, फोटोशूट्स कराएंगे। तो गाइज यहाँ पर जो है हम लोग का मंदिर अलगडिया शिव मंदिर, वहाँ पे थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। हाँ पढ़ता है, तुम पढ़ता लिखता है हाँ? तो बाबा का दर्शन हो चुका है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। अजिताभ के घर चलेंगे पहले, तो उसके बाद जो है वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। ये सर वेलकम वेलकम। सबसे ज्यादा ठंड आप ही को लग रहा है? एकदम एकदम ठंड नहीं लगेगा तो क्या लगेगा बोलिए। जी हम लोग बलियापुर मार्केट आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग को चाय का कप लेना है, क्योंकि चाय हम लोग पैकिंग कर लिए हैं, कप नहीं लिए हैं। तो अभी हम लोग कप लेंगे यहाँ पर। 15 रुपया लग गया। गाइस हम लोग का अभी जो है प्लानिंग हो रहा है कौन क्या कार लेने वाला है, और अजिताभ जी जो है वो BMW लेंगे, 1400cc का जो गाड़ी है। टाटा नैनो जो आ रहा बढ़िया वाला वो हम लेंगे। वंदा जो है वो लेजेंडर लेंगे, फॉर्चुनर का लेजेंडर, 50 लाख का गाड़ी है वो, और 2.5 लाख रुपया सैलरी है। बीसेल में ये ऑफिसर है। आज कॉइन अभी एक्सेप्ट करने लगा है। अच्छा कहाँ? टेस्ला मोटर्स का वेबसाइट। टाटा कर रहा है, नैनो लेना हमको? ना नैनो नहीं सर। अजिताभ जी का तो सिंघाड़ा खाने का बहुत इच्छा था लेकिन मिला नहीं। मोहन का प्लानिंग, मोहन बोला निमकी चलेगा। मजा ले रहे हैं ठंड में चाय का और निमकी का। गाइस हम लोग एंट्री कर रहे हैं अब डैम में। हालांकि यहाँ पे पार्क वगैरह जो है वो सब लॉक किया हुआ है। हम लोग घूमेंगे ऐसे ही, हम लोग कोई पिकनिक वगैरह तो कर नहीं रहे हैं, पिकनिक अभी अलाउड नहीं है। फोटो खींचने के लिए। और यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं, वाओ व्हाट अ व्यू। अजिताभ जी गजब का नज़ारा है। यहाँ का नज़ारा जो है हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना सुंदर होगा। हालांकि अभी कोविड के वजह से कोई भी यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है, हम लोग अकेले हैं और हम लोग यहाँ ब्रिज के जो है नीचे आ गए हैं, और काफ़ी अमेजिंग नज़ारा है। यहाँ पर पानी का आप आवाज़ सुन सकते हैं, गजब का साउंड है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग का गाइस अब नीचे जाने का प्लानिंग हो रहा है, और पैदल का रास्ता है, पत्थर गजब गजब है। कुछ नहीं अभी, ये हम लोग खदान पार करना होगा। मोहन दास सोच रहे कैसे करके जाए, बहुत डेंजर पोजीशन है बोल रहे हैं। गाइस अभी झरना के पास बैठे हैं और काफी अमेजिंग लग रहा है। आप देख सकते हैं बैक में जो है काफी मजेदार यहाँ पर सीन है और काफी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आईफोन बनाया है? सही सही बोल रहा, तुम बनाया खुद से? कि घर में कोई बनाता है इसको? ये किस चीज का है? खजूर पत्ता का।
अब जाएंगे गाइज हम लोग ब्रिज में, वहाँ पर खाना वगैरह खाएंगे, हम लोग पैकिंग करा के लेके आए हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। बॉर्डर है बंगाल का बॉर्डर है, बंगाल बॉर्डर है, इंजॉय ले सकते हैं आप, यहाँ खड़ा कर सकते हैं। और गाइज आप देख सकते हैं ये डैम काफी बड़ा डैम है, यहाँ पर बोट भी है, हालांकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बोट्स नहीं है इसमें से, सब हाथ से चलने वाला ही है। और आप देख सकते हैं बहुत सारा बोट्स है। अजिताभ जी बोटिंग उटिंग चलिए होगा एकदम, मछली पकड़ने वाला नहीं, नहीं मछली वाला नहीं है, बोटिंग वाला भी है। हाँ मछली एक कैरेट दिख रहा है यहाँ पर, हाँ हाँ हाँ, एकदम खाली खाली सुनसान रास्ता, कोविड की वजह से हम लोग यहाँ रोड में ही खड़ा हो गए और इंजॉय कर रहे हैं, डैम को देख रहे हैं। हालांकि बोटिंग से यहाँ होता है लेकिन अभी नहीं हो रहा शायद, पता नहीं कुछ सरकार का गाइडलाइंस होगा। तो गाइज यहीं पे हम लोग का जलपान होगा और ये जगह मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसीलिए हम लोग यहीं पे डेरा डालते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई कर लेंगे हम लोग और यहीं पे खाना पीना हम लोग का होगा। हम लोग सब अपना अपना खाना निकाल लिए हैं, बंदा सोच रहे हैं पहले चाय पिए कि पहले खाना खाएं, पहले चाय पिए कि पहले खाना खाएं, बंदा एकदम फाइव स्टार वाला फीलिंग आ रहा है ना। चलिए शुरू हो जाइए। और ये चाय हम लोग इसमें लेके आए, गरम तो होगा ये, वैसे 24 आवर इसमें गरम रहता है। मम्मी दो बार का हिसाब में चाय बना के दी है कि दो बार ये लोग जैसे पी सके। गाइस ये सोयाबीन और आलू का सब्जी, यहाँ कचौड़ी और पूड़ी, इधर कुछ मीठा है, और मोहनदा जो वो प्याज लहसुन तो खाते नहीं थे इसलिए वो अलग आदमी है, उसको साइड में दे दिए हम लोग। और ये जगह गाइस आप देख लीजिए, एकदम रोड है, जंगल वाला रोड, इधर इधर भी जंगल, और बीच में जो ये रेलिंग है, कोई दीवार है पार्टीशन, इसमें लोग बैठ के खा रहे हैं, मजा आ रहा। तो गाइस अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं, मोहनदा भी अब हमको छोड़ेंगे, बहुत थक गए हैं गाइस, डिक्की खोलेंगे, डिक्की का सामान निकालेंगे और वो घर में रेस्ट करेंगे।